नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, एक कहानी एक मासूम 8 वर्षीय चांदनी शाह की, इस मासूम बच्चे की नृशंस हत्या कर दी गई। एक घटना हुई मीरा महेंद्र वसई विहार आयुक्तालय अंतर्गत पैरार पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले वसई फाटा पाण्याच्या पाड़ा क्षेत्र की, जहां बीते 1 दिसंबर को यह बच्ची चांदनी शाह स्कूल से आई और अपने घर पर कपड़े बदलने के बाद बाहर कुछ खाने का लेने गई और तब से गायब हो गई। परिवार ने इसको काफी ढूंढा लेकिन ये परिवार को नहीं मिली। अंततः परिवार ने देर रात में पैरार पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। गुमशुदा चांदनी शाह के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और जांच पड़ताल शुरू की। बीच में 3 दिन निकल गए और 5 तारीख को यानी कि कल चांदनी शाह की लाश, जहां चांदनी शाह का घर है उसके बाजू के कमरे में पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया और एक मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जो आरोपी है वो भी वहीं चांदनी शाह के घर के पास के ही घर में रहते थे और उन्होंने इस बच्ची का कत्ल करने के बाद उसकी लाश को अपने ही घर में ड्रम में 2 दिन छुपाए रखा और बाद में मौका मिलते ही एक बंद कमरा जो उनके घर के पास ही था उसमें शिफ्ट कर दिया। इस पूरे मामले पर क्षेत्र की जनता में आक्रोश देखा गया और क्षेत्र की जनता आज दोपहर में एक आक्रोश रैली तक करने वाली थी, लेकिन दोपहर के समय में पैरार पुलिस ने जनता को समझाया, पुलिस की समझाइश से इन लोगों ने अपनी रैली रद्द की और शाम के समय में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन वसई फाटा पे किया गया। श्रद्धांजलि सभा के समय हमारे एक सहयोगी असवान शाह उसमें मौजूद रहे और उन्होंने लोगों से सवाल जवाब किए। तब कैमरे के ऊपर इन लोगों ने पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट होने की बात कही और पुलिस द्वारा कार्यवाही किए जाने की बात कही। तब भी इस मामले में कुछ सवाल जरूर उठते हैं। जैसा कि पब्लिक का कहना है और दिखाई दे रहा है पुलिस ने कार्यवाही की, लेकिन पहला सवाल यह है, जब 1 दिसंबर को बच्ची गुमशुदा हुई थी और 5 दिसंबर को उसकी लाश मिली थी, तो उसके दौरान 3 या 4 दिन निकले, तब तक क्यों उसका कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला? और बच्ची घर से बहुत दूर नहीं, एक ही दीवार दूर थी, उसके बावजूद क्यों पुलिस उसका पता लगाने में नाकामयाब रही? वहीं कुछ लोग और भी कई सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी कोई ज्यादा चर्चा नहीं हो रही कि क्या रिपोर्ट में आया है, और जो जानकारी सामने आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि बच्ची को मल्टीपल जगह पर वार किया गया था जिससे बच्ची की मौत हुई। वीडियो में आगे देखिए, हमारे सहयोगी असफान शाह ने वहां जमा लोगों से जो बातचीत की, क्या उनका कहना है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। चालू हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं असफान शाह। वसई में पिछले दिनों से चांदनी शाह हत्याकांड काफी सुर्खियों में बना हुआ, उसी मामले को लेकर के चांदनी शाह को लेकर के आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन वसई फाटा पर किया गया। आइए हम जानते हैं कि इस विषय पर उनके परिजनों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है। आपका इस मामले पर क्या कहना है? अत्यंत दुखद घटना है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मिल गया है, अपने जो मेन आरोपी था वो मिल गया है। अभी वो आरोपी की कार्रवाई पुलिस लोग अच्छी तरह से कर रहे हैं।
गया था कि यहाँ पे कुछ मोर्चा निकालने की तैयारी चल रही थी, तो क्या हुआ, कैंसिल हो गया? वो कैंसिल इस वजह से हुआ कि पुलिस लोगों ने अपनी वो अपने अपने मन से वो जारी कर रहे तो ये मोर्चा रिपोर्ट के लिए निकल रहा था, तो उन लोग ने मुझे भाई को रिपोर्ट दिखा दिया। कौन सा रिपोर्ट? पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के लिए आज सैंपल, आज मेडिकल बंद था तो आज सैंपल वो वहाँ पे ही है। अभी तक पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। सार्वजनिक भाई को खाली रिलेटिव को दिखाया है, सैंपल रिपोर्ट एक एक रिपोर्ट आना है, वो रिपोर्ट भी जल्दी से रिलेटिव को दिखाया गया। बेसिक रिपोर्ट दी गई है, मेन रिपोर्ट अभी बाकी है। पुलिस की ओर से इस मामले पे क्या बेसिक रिपोर्ट दी गई है? मेन रिपोर्ट अभी बाकी है। पुलिस अपना अच्छा कर रही है, हमारे को पहले से सपोर्ट करते आ रही, अच्छा किया। पुलिस ने कितना समय में बोला है रिपोर्ट देने के लिए? पुलिस ने अभी कुछ बताया नहीं, उनके परिवार वालों को बोला गया है, बताया गया है। पुलिस वालों ने जो भी रिपोर्ट था, एक बेसिक रिपोर्ट था, वो मुझे सिर्फ दिखाया है, पीएम रिपोर्ट मुझे दिखाया। हाँ, क्या रिपोर्ट था उसमें? रिपोर्ट में यह था कि उसमें मल्टीपल कंटेंसेस देखने के लिए मिले, मतलब उसके हाथ में जख्म है, उसके गले में जख्म है, उसके ऐसे मुँह में ऐसा जख्म है, और उसके एक एक जो इस साइड का राइट साइड का ये का वो ऐसा लग रहा है कि उसको पत्थर से मारे हैं, उसके बाल टकरा के मारा हुआ है, और उसके गले में इधर निशान है, इतने बेरहमी से उसको मारा गया। पुलिस ने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है? हाँ, अब तीन दिन उसके भी वो बताएगा तो हमको भी पता होना बाकी है। अभी पुलिस ने हमें नहीं बताया क्या उसने बोला, क्या करूँ इस मामले पे आपका क्या कहना है? पुलिस ने हमें तो सबूत दिया है, जितना उनका साथ चाहिए था हमें उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हमें उन्होंने हमें दिया है, और पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है, फरियादियों को ढूंढ रहे हैं। जो और भी आज जो उन्होंने आगे PI साहब ने जो हमको आश्वासन दिया है कि हम इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर से गंभीर कदम उठाएंगे और आगे उस आरोपी को जल्द से जल्द सज़ा तक पहुंचाएंगे, और जो सज़ा बन पड़ेगी कानून के हक में आएगा वो सज़ा उसे दिलाएंगे। ये हमें आश्वासन PI साहब ने दिया है, और उस आश्वासन से हमने जो आज रैली कर रहा था उस रैली को रद्द किया। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अगर पुलिस जिस तरह से तत्परता अभी दिखाई, उससे पहले अगर जैसे चांदनी लापता हुई थी उस समय अगर इतनी तत्परता दिखा दी तो शायद चांदनी जिंदा हो? चांदनी को तो तत्परता जैसे अपन ने फौरन चांदनी गायब हुई वैसे ही पुलिस लोगों ने भी पूरी टीम को भेजा, उन्होंने 24 घंटे का राह नहीं देखा, तुरंत फौरन आए, इसलिए चांदनी को इंसाफ मिलना चाहिए। तो आ गए पुलिस लोग, तुरंत आ गए, उन्होंने संडे भी नहीं देखा और 24 घंटे की राह भी नहीं देखी, अपने जैसे अपन ने ये किया उनको वैसे उन्होंने अपने को कार्रवाई करने के लिए ये किया, स्टार्ट चालू किया। अत्यंत दुखद खबर है, इस मामले पर आपका क्या? खबर तो बहुत दुख की बात है, लेकिन हम लोग यही चाहेंगे कि पुलिस जो भी आएगी कार्रवाई उनके हक में ही होगा, और जो भी आरोपी है उसको फांसी की सजा ही होना चाहिए। यही चाहेंगे, ये मांग है, ये हमारी सबकी मांग है, कि करीम नगर, मिल्लत नगर, वनीचापाड़ा सबका यही मांग है। उसके लिए हमको कहीं भी जाने की जरूरत पड़ेगी, हम लोग जाएंगे चांदनी के सब एकजुट होके जाएंगे, जो भी तकलीफ है उसके लिए हम सब हेल्प करेंगे, एकजुट होके हम जाएंगे चांदनी के। तो ये चांदनी के लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। धन्यवाद। इधर है गूगल पे बार कोड को स्कैन कर गूगल पे के जरिए भी हमें आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।